रखड़ियां बनन जा रहे पति पत्नी दी रस्ते दे विच दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल एक बस ने जोरदार टक्कर मारी, बाइक ते सवार पति पत्नी ने मौके ते ही दम तोड़ दिता। इन्हों दे 25 साल का बेटा भी है। तो हस्ता वस्ता परिवार उजड़ गया। एक भयानक सड़की हादसे दे विच पति पत्नी दी दर्दनाक मौत हुई है। प्राइवेट बस दे वल्लों जोरदार टक्कर मारी गई और बाइक ते सवार सी ए पति पत्नी। रखड़ी बनन दे लई जा रहे सी तां रस्ते दे विच ए भाणा वापर गया। हरियाणा दे करनाल दीआं ए तस्वीरां ने पुलिस ने बस नूं अते लाशां नूं कब्जे दे विच लै लिया और दूजे बन्ने बस दा ड्राइवर इस घटना तों बाद फरार हो गया। दसदे कि असंध रोड ते प्यौत पिंड दे कोल ए दर्दनाक हादसा होया, जिस दे विच पति पत्नी जो कि रखड़ी बनन दे लई जा रहे सी उन्हां दी दर्दनाक मौत हुई है। मौजूद है भैया, क्या बताना चाहेंगे, कैसे एक्सीडेंट हुआ ये? सर, ये रॉन्ग साइड से बस आ रही थी, ओवरटेक के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ। जो पैसेंजर थे वो अपनी साइड से जा रहे थे, कम से कम 20 से 30 फुट उठा के ले गई ये गाड़ी। आपको जो मैं हाँ ये फोटो दिखा सकता हूँ, फोटो में देखो दोनों में अभी भी थे बांसा से त्रावड़ी जाए। हाँ, दोनों सवारी का पता नहीं सर, फुल ओवरटेक सर, ओवरटेक हो रहा था सरकारी बस के साथ। अब आप ये देखो ना, वो अपनी साइड से था, रॉन्ग साइड में आप उठा सर। ये मौके पे तो ये थे, हम तो बाद में आए, हम बहुत को 100 स्पीड पे लगा बाबू सर, ओवर साइज में आई है। ये प्राइवेट बस वाले बहुत नाइंसाफी करते हैं, बहुत तेज चलाते हैं। इस समय लाइट मुश्किल से 7-8 मिनट के बाद पहुंच गया था। क्या जानकारी मिली? ड्राइवर फरार था उस टाइम, ड्राइवर यहाँ से उसी टाइम अभी अभी निकला, एक मिनट हो गए। बाकी यहाँ जिस टाइम एक्सीडेंट उस टाइम पहुंचे, हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली 2-3 मिनट में हम यहाँ पहुंच गए। पति पत्नी बाइक पे थे, त्रावड़ी बता कर जा रहे थे बांसे से। दोनों की मौत हो गई? दोनों की मौत हो गई मौके पे, एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में भिजवा दिया। मोड़ जाता है, हाँ जी, पहले बड़े हादसे हुए हैं तो यहाँ मतलब स्पीड ब्रेकर या कुछ भी बनाए नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने अपने आप ही सोचना चाहिए ना, कम होना चाहिए स्लो यहाँ पे, रोड होना चाहिए। तेज चलाती है बसेस यहाँ पर सर, तेज चलाती है तो रॉन्ग साइड में आगे एक्सीडेंट होया, ठीक है ना, रॉन्ग साइड में जो प्रेजेंट। सर जी, ये बेचारे रोड़ी के, इनकी ससुराल है मनजीत कौर की, अपने घर है इनका, सुबह रखी थी आज और शाम को इनको लोगों के घर बेचारे काम करते हैं, और इनको सुबह हमारे डेथ हो गई थी गांव में, उसके रोटी पानी के लिए मतलब कह रहे थे सुबह रोटी जल्दी पका लेंगे आगे, फिर जल्दी आ जाएंगे। 7 बजे घर से चले, 7:15 बजे एक्सीडेंट हो जाता है। अपनी साइड पे जा रहे थे ये, और उस बस वाले ने क्रॉसिंग करने की मतलब कोशिश की है, बस या ट्रक वो नहीं पता किस चीज़ की क्रॉसिंग थी, वो क्रॉसिंग करते हुए आगे उसने गाड़ी संभाली नहीं, बस उनके ऊपर काफी तेज रफ्तार से आ रहा था बस वाला। बहुत रफ्तार सी जी, बहुत ज्यादा, जो सवारी है अंदर बैठी हुई वो ये बता रहे हैं भी उनकी रफ्तार इतनी थी, भी उनको पता नहीं क्या जल्दबाजी थी भाई, उस बस से आके सवारी उठाने का उसका कोई मकसद। मियां बीबी थे, कहां से कहां जा, मायके जा रही थी अपने बांसा से त्रावड़ी, मायके रक्षाबंधन सुबह आज राखी थी, भी राखी बांध के अपने घर आ जाएंगे वापस सुबह, मौके पे डेथ हुई, बस वाले को पकड़ लिया नहीं, मौके भाग गया जी वो, बस तो सही है, बस का तो कुछ पकड़ लिया है। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की? पुलिस तो बहुत अपना साथ दे रही है जी, पुलिस ने रात भी अपना स्थिति, सर अगर परिवार की स्थिति की बात करें, परिवार की स्थिति कैसी है? और परिवार की स्थिति देखो जी, एक लड़का उनका हालत मतलब मजदूरी करते हैं जी, बच्चा भी मजदूरी करता था खुद भी, मतलब माँ बाप का सहारा उठ गया, माँ बाप का, उसकी उम्र कुछ भी नहीं, 25 साल की उम्र है जी लड़के की, तो आज पोस्टमार्टम के लिए आए, कार्रवाई की मांग करते हैं पुलिस से जल्द से जल्द। हम तो यही है, अपना प्रशासन हमारी मदद करे, बाकी पुलिस हमारे साथ है जी, परिवार की रात भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, परिवार की मदद होनी चाहिए, परिवार की तो मदद होनी चाहिए जी, प्रशासन से ये भी उम्मीद है। कौन से गांव के थे? बांसा गांव है इनका। सर ये राखी बांधने के लिए बांसा गांव से त्रावड़ी के लिए जा रहे थे, और बस वाले ने बिल्कुल ओवरटेक करके बिल्कुल कच्चे में वहां पे उसको सीधा आमने सामने ही टक्कर मारी, और सवारी ने ये बोला गया कि वो ड्रिंक का यह उसने, और एक फ़ोन लगाया था उसने, उसने कान का फ़ोन लगाया था, तो एक फ़ोन की वजह से ड्रिंक की वजह से उसने एक्सीडेंट किया था। क्या पहले भी ऐसे रैश ड्राइविंग कर रहा था सवारी ने बताया? हाँ, सवारी बोल रही थी ये पीछे से भी मतलब कि कट मारता रहा ऐसी भी नवाज से, और सवारी फुल थी, और उन्होंने सब बताया जी। ये जो डेथ हुई है क्या थे, मियाँ बीबी थे? ये मियाँ बीबी थे जी, कहाँ से रहने वाले? ये गाँव बांसा के रहने वाले हैं जी, और त्रावड़ी के लिए जा रहे थे राखी बांधने के लिए, मांगेराम मंगा सिंह और मंजीत कौर। मंजीत कौर
दोनों पे मौके पे डेथ हुई। बस वाला भाग गया, बस वाला ड्राइवर तो सर भाग गया और बस वहाँ पुलिस ने काबू कर लिया। ओवरटेक कर रहा था? हाँ जी ओवरटेक कर रहा था, बिल्कुल ओवरटेक कर रहा था। प्राइवेट बस है, बाइक आमने सामने होगी? आमने सामने जी, बिल्कुल 30-40-50 किलोमीटर। हाँ जी बहुत दूर तक सीट के लेके की सीट के लेके गया जी, 50 मीटर हाँ खींच के लेके गया जी। ड्राइवर काबू कर लिया बस? हाँ जी ड्राइवर तो मौके फरार हो गया, कनेक्टर भी फरार हो गया, लेकिन गाड़ी काबू कर लिया। क्या मांग करेंगे? मांग यही करेंगे जी, सरकार से यही अपील करेंगे, जो भी बच्चे के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, ठीक है, इसका न्याय न्याय मिलना चाहिए। और दूसरी बात सरकार से यही अपील करेंगे हम जी, जो ड्राइवर ड्रिंक करके बस चलाते हैं और कान का फूल लगाते हैं, इसके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दिहाड़ी मजदूरी करता है, एक ही लड़का जी इसका, बड़ा दर्दनाक हो। आपको पता ही है जी, दुखा तो दुख बात है। क्या जानकारी मिली? जानकारी ये मिली थी भी रखड़ी बांधने जा रहे थे त्रावड़ी, तो मोड़ मुड़ते ही उधर से अपना रोडवेज तो प्राइवेट बस वाले आ रहे थे, ओवरटेक करने की वजह से इनको अपना सामने से टक्कर मार दी। मौके पे मौत हो गई दोनों? मौके पे तो फिर पता लगा, फिर हम जुंडले पहुंच गए थे, उसके बाद पता लगा भी। कहाँ के थे दंपति रहने वाले? ये बांसा गांव के थे। और कहाँ जा रहे थे? त्रावड़ी जा रहे थे। रखड़ी बांध, रखड़ी बांध गांव से निकलते कुछ दूरी पर एक्सीडेंट हो गया। हाँ बस असंत रोड के ऊपर ही हो गया था। ड्राइवर फरार है? ड्राइवर फरार है, बस तो पकड़ ली है। हाँ जी वो पुलिस चौकी में। क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या करनी है? बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई तो होनी चाहिए, आपको पता ही है। क्या नाम? मेरा नाम ऋषि पाल है।